अब हम बात करेंगे रीजनरेशन ऑफ आरयूएमपी, हेडिंग रीजनरेशन ऑफ आरयूएमपी, यानी कि आरयूएमपी का पुनः निर्माण कैसे होता है ताकि वो दोबारा से चक्र में चलता रहे, नहीं तो फिर चक्र बंद हो जाएगा। इतनी कंसंट्रेशन नहीं है आरयूएमपी की हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में कि जितना चाहे उतना ले सके, बल्कि ये चक्र के माध्यम एक साइकिल में आता है कि पहले वो आरयूएमपी आरयूबीपी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो पीजीएल में कन्वर्ट होता है, देन कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 10 पीजीएल के मॉलिक्यूल बनते हैं वो दोबारा से आरयूएमपी का निर्माण करते हैं, तब वो नेक्स्ट साइकिल में उपलब्ध हो पाता है। तो हमारे पास है मॉलिक्यूल 10 मोल ऑफ 3 पीजीएल, 3 पीजीएल के हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे पास है 30 कार्बन। अगर हम आरयूएमपी की बात करते हैं तो आरयूएमपी के एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास कितने हैं, 30 कार्बन है। तो इस प्रकार से हम 6 मॉलिक्यूल वापस से आरयूएमपी के बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 10 मॉलिक्यूल 3 पीजीएल में से, तो 3 पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल, ये आइसोमरेज एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, इसकी उपस्थिति में DIHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देता है। उसके बाद जो DIHAP के 2 मॉलिक्यूल है ये, और 3 पीजीएल, अब देखो 10 में से 2 चलेगी 8 ले गए, तो अब 3 पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल प्लस DIHAP जो बदला है, सॉरी इसके 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 नहीं 4 लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 2 वहां से वो ले लेंगे, 4 वहां से 10 थे हमारे पास, 10 में से 4 ले लिए, 4 बदल के इसमें 6 ले लिए वहां, अब 6 में से हमने 2 और ले लिए तो रह गए कुल 4, ठीक है। और DIHAP के 2 मॉलिक्यूल हम यहां से लेते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल DIHAP के यहां बचे रह गए, कुल 10 मॉलिक्यूल थे, 10 में से 4 बदल दिए हमने PGL से DIHAP में, तो माइनस मतलब 6 रह गए, 6 में से फिर हमने 2 और ले लिए हैं, अब रह गए केवल 4। अब इनमें से देखो 4 में से हमने क्या किया, जो 2 लिए थे 2 मॉलिक्यूल तो PGL के प्लस DIHAP के 2 मॉलिक्यूल जो यहाँ पर 4 है, में से 2 ले लिए, एंजाइम यहाँ पर कोई एल्डोलेज काम में आएगा और इससे बन जाता है फ्रक्टोज 16 डाइफॉस्फेट, ठीक है, और इस जगह पर एंजाइम ओई फॉस्फेटेज, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की बनेंगे यहां पर 2 मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब 2-2 है ना, पहले उसमें सब सिंगल सिंगल था तो सिंगल बन गया, अब यहाँ पर सब 2-2 मॉलिक्यूल है, जब 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मोल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल प्लस 3 पीजीएल, अब जो वहां पर 4 3 पीजीएल बचे थे उनमें से 2 3 पीजीएल यहां पर, तो ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। अब यहां थोड़ी सी देखने वाली बात है कि इस जगह पर एंजाइम काम में आएगा ट्रांसकीटोलेज या ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस कीटोलेज, कीटोलेज देखो
यहाँ पर 6+3 है ये, तो यहाँ पर एक विघटन ही होना है अगर देखा जाए तो विघटन होना है। तो देखो 6 और 3 टूटा हुआ है, 7 और 2 की कोई श्रृंखला, मतलब 2 की 7 की तो हो जाएगी सी डॉक्टरोस, लेकिन 2 कार्बन की कोई सुगर नहीं है, इसलिए अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये जाइलोज 5-फॉस्फेट प्लस एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में टूटे। तो यहां पर एक अगर देखा जाए तो एक तरह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके और कार्बन के मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर है वो करके और फिर बनाएंगे। देखो यहां पर 6 थे 3 ये, अब ये इसमें से एक निकल गया, 4 रहेगा और ये रहेगा 5, तो ये सब के 2-2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। तो यहां पर जो जाइलोज 5-फॉस्फेट है ये बाद में एपिमर है, ये इसका राइबोस का, राइबोस का, तो ये बाद में राइबोस के 2 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो 2 तो यहां बन चुके हैं। अब है हमारे पास एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। तो देखो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस कितने, अब देखो यहां पर 2 ही DIHAP काम में आए हैं, 2 बचे हुए हैं, तो DIHAP कितने, 2 मॉलिक्यूल ये बचे हुए हैं हमारे पास। एंजाइम होगा ट्रांस एंजोलेज, ट्रांस एंडोलेज। अब इस ट्रांस एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 4 और 3 7 कार्बन की सुगर जिसका नाम है सोडो हेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट बदल जाता है और ये बनते हैं यहां पर 2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, एंजाइम फॉस्फेटेज एक निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा सोडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, सोडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल। अब ये सोडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट है, अब देखो हमने ज्यादातर सब काम में आ लिए, 4 तो हमारे पास ये काम में आ गए, 2 ये आ गए, 4 और 6 और 2 8 काम में आ गए, हमारे पास बचे केवल 2 PGH के मॉलिक्यूल। तो सोडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल प्लस सोडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल प्लस थ्री PGH के 2 मॉलिक्यूल। एंजाइम वही काम में आएगा, इसका नाम है एंडोलेज, अब देखो ये 7 और 3 का है, 7 और 2 का हो नहीं सकता, तो देखो 7 और 3 का है, 6 और 4 में टूटेगा नहीं, ये 5 और 5 के 2 भागों में टूट जाएगा, तो 5 और 5 के 2 भाग बनेंगे, एक तो जाइलोज 5-फॉस्फेट बनेगा दोबारा से 5-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और एक बनेंगे प्लस राइबोस 5-फॉस्फेट, राइबोस 5-फॉस्फेट। तो देखो 5 2 मॉलिक्यूल ये बन गए, 2 मॉलिक्यूल ये बन गए, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इस प्रकार से कुल 6 मॉलिक्यूल हमारे पास 5 कार्बन वाले सुगर के हैं। इधर देखो जाइलोज 5-फॉस्फेट जो है वो इसका एपिमर है, एपिमर। तो देखो आसानी से जो जाइलोज 5-फॉस्फेट है इसके 4 मॉलिक्यूल हो चुके हैं और ये एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाते हैं राइबोलोज 5-फॉस्फेट 4 मॉलिक्यूल।
ठीक है, और जो राइबोस है ये एंडो शुगर है और ये क्या बोलते हैं कीटो, सॉरी कीटो शुगर है। तो राइबोस खुद भी बाद में राइबोस 5-फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल, तो ये भी बाद में आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसी में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 6 मोल ऑफ RUMP बन जाते हैं। हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया था केल्विन साइकिल का, तो वहां पर हमने RUMP से ही स्टार्ट किया था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP। तो इस प्रकार से लगातार इस चक्र में RUMP उपलब्ध होता रहता है इस तरह से। कोई फिक्स कंसंट्रेशन नहीं है कि भाई इतनी कंसंट्रेशन रहेगी, इतने ही RUMP हैं, केवल यही काम में आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या कोई इनफिनाइट या अनंत कोई कंसंट्रेशन नहीं है कि भाई हम सेल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कितनी यूज कर लीजिए चाहे भाई नहीं बनाओ या ना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी RUMP है वही RUMP दोबारा से घूम करके या इस साइकिल के द्वारा बनता रहता है और इस प्रकार से लगातार CO2 को उपलब्ध, CO2 को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहता है। तो आज हमने ये पूरा केल्विन साइकिल पढ़ लिया है, जिसमें हमने ग्लूकोज का निर्माण भी देख लिया और ये रिजनरेशन ऑफ RUMP भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अब हम पढ़े, अब शायद वीडियो लगातार आएंगी और अब हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।